हेलो गाइस, तो अब हम फाइनली आ गए अपने बलेनो की डिटेल्ड वीडियो पे, जो मैं काफी टाइम से सोच रहा था कि डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, बट अभी मेरी डिलीवरी वीडियो कंप्लीट हुई है। आप लोगों ने काफी अच्छा सपोर्ट दिया डिलीवरी वीडियो को, सो नाउ हम स्विच करेंगे अपनी डिटेल्ड वीडियो पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये गाड़ी में ऐसे क्या क्या फीचर्स हैं। कुछ फीचर्स हैं, मतलब कुछ अच्छे फीचर्स हैं, तो आज मैं आपको उन सबके बारे में बताऊंगा और मुझे ये गाड़ी क्यों पसंद है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम आ गए हैं अपनी बलेनो की डिटेल्ड वीडियो के साथ। तो जैसे आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस देखी जिसमें बलेनो सिनेमैटिक शॉट्स थे और बलेनो की डिलीवरी वीडियो थी, अब हम आ गए उसकी डिटेल्ड वीडियो के साथ कि ये मुझे गाड़ी क्यों ज्यादा पसंद आई है। और इससे बेटर में जेड ऑप्शन था, इससे बेटर ऑप्शन जेटा था, जिसमें मेरे को 60-80,000 अप्रोक्स में अलॉय व्हील और भी दो तीन चीजें काफी अच्छी अच्छी मिल रही हैं। वो वैल्यू फॉर मनी कार है, बट ये इसलिए क्योंकि सीएसडी के थ्रू में यही गाड़ी अलॉट हो रही थी, दैट्स व्हाई मैंने ये गाड़ी ली है। तो अब मैं इसके आपको सारे स्पेसिफिकेशंस वगैरह जो भी हैं वो सब मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए एक बार शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इस गाड़ी में देखें तो ये है इसके प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स। अब प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स पिछली जो थी 2000, जो इससे पुराना मॉडल था फेसलिफ्ट से पहले वाला, उसमें नॉर्मल हेलोजन बल्ब्स आते थे। अब इसमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं, बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं सच में। इसकी वर्किंग वगैरह मैं कभी रात को वीडियो बनाऊंगा, रात को जब वीडियो शूट करूंगा तब मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी दिन में ही शूट कर रहा हूं, तो आप इस बाकी सब चीज़ आप देख सकते हैं। तो ये हमें इसके इंडिकेटर्स दिए और ये DRLs हैं। DRLs तो इतने प्यारे लगते हैं इस गाड़ी में, सिग्मा में नहीं है, मतलब इसके सिग्मा से ऊपर जितने भी डेल्टा जेट अल्फा उन सब में हमें DRLs दिए गए हैं। तो अब इसके बाद ही हमें यहाँ पे क्रोम फिनिश दिया गया है, सामने सुजुकी की बैजिंग हमें दी गई है। ये इसका एक बार फ्रंट लुक पूरा देख लीजिए। फॉग लैंप्स जो है वो मैंने कंपनी फिटेड करवाए हैं, डेल्टा में फॉग लैंप्स आते नहीं है। ये जो फॉग लैंप्स है ये डेल्टा में फॉग लैंप्स आते नहीं, कंपनी फिटेड करवाए। इनकी प्राइसिंग वगैरह की जो वीडियो की मैं आगे सब दिखाऊंगा। तो एक बार आप गाड़ी का पूरा फ्रंट लुक ले लीजिए। अब हम चलते हैं इसके साइड में, जो इसके क्रोम हैंडल्स वगैरह दिए गए हैं, ये भी मेरे कंपनी फिटेड है, ये सब भी मेरे कंपनी फिटेड है। जो इसके फोल्डेड ORVMs हैं भाई, ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। जब भी आप गाड़ी ऑफ या ऑन करते हो तो ये मतलब अपने आप फोल्ड हो जाते हैं। तो मैं इसकी दिखाऊंगा भी वर्किंग वगैरह सबसे दिखाऊंगा। अब हम इसके बात करें इसके टायर्स की, तो आप इसके टायर्स देख सकते हैं। ये हमें MRF ZB TV के टायर्स दिए गए हैं जो कि 15 inch है, मतलब आप देखिए 185/65 R15 8080। तो ये हमें इसके 15 इंचेस के टायर दिए गए हैं। और जो इसके जो अपर मॉडल्स हैं उसमें अलॉय व्हील आते हैं, तो अलॉय व्हील के साथ में 16 इंच टायर्स दिए गए होते हैं। बाकी आगे का भी इसकी वीडियो बनी तो उसमें दिखाऊंगा। बाकी ये भी मैंने कंपनी फिटेड करवाया है, ये नीचे जितने ये वाले मतलब डोर की प्रोटेक्शन के लिए ये भी लगवाए थे, ये भी कंपनी फिटेड है। पीछे का एक बार देख लिए। व्हील कैप्स भी इसमें, जो व्हील कैप्स तो कंपनी ने लगाते, मतलब डेल्टा से व्हील कैप्स आने लग जाते हैं, सिग्मा में व्हील कैप्स नहीं आते, डेल्टा में व्हील कैप्स आने लग जाते हैं। तो हम एक बार इसका पीछे लुक लेते हैं। तो ये इसका एंटीना, मुझे सच्ची बताऊँ मुझे इसका काम कोई समझ नहीं आया, ये चलता ही नहीं है। अब चलता है या फिर नॉर्मली लोग चलाते नहीं, मैं तो ब्लूटूथ से कनेक्ट करता हूं, तो उससे चल जाता है। ये भी इसका कंपनी फिटेड है, ये भी क्रोम है, ये भी क्रोम है, ये दोनों कंपनी फिटेड है। अब जो हमें बैक साइड में दिया गया, ये हमें इसका दिया गया है डिफॉगर, वाइपर एंड वॉशर इसके अंदर है। इसकी जो लाइट है ये भी काफी अच्छी लगती, जो वॉशर दिया गया वो इसके अंदर दिया गया। तो ये एक बार इसका पीछे से आप पूरा लुक देख सकते हैं, ये रहा। ये पीछे बलेनो की बैजिंग दी गई है और ये सुजुकी का लोगो, इधर नेक्सा का स्टिकर। आप एक बार इसका पीछे से पूरा लुक लीजिए, ये पीछे से इस गाड़ी के अंदर। तो क्योंकि गाड़ी तो अच्छी है ही, अब इस गाड़ी क्या ही बताऊं, क्योंकि इस टाइम मारुति की सबसे ज्यादा सेल होने वाली कार यही है। अब इसकी जो की है वो मैं आपको एक बार इसकी की दिखाता हूँ। अब देखिए इसकी की, ये इसकी कुछ की है, ये की है। अब जेटा वगैरह में पुश स्टार्ट स्टॉप आता है, उसमें की आता है, पर की के भी अपने एडवांटेजेस हैं। तो अब हम इसको करते हैं स्टार्ट, तो इसे खोलते हैं एक बार। ये मैंने किया, अभी इसके फोल्डेड ORVMs की भी वर्किंग देख लेते हैं। तो ये इसकी की है, जब मैं इसे लॉक करूंगा ये अपने आप क्लोज होंगे। आप देखिए इसे एक बार, ये क्लोज हो गए हैं। तो ये भी इसके मतलब एक होती है ना प्रीमियम हैचबैक की सारी क्वालिटीज कार में है। सो फाइनली अब हम आ गए हैं गाड़ी के अंदर। तो मैं गाड़ी करता हूं एक मिनट स्टार्ट। अब मैंने गाड़ी स्टार्ट है, तो ये गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। आप देख सकते हैं इसकी MID डिस्प्ले, जो इसमें छोटी डिस्प्ले आती है, पर कोई नहीं, नॉर्मल जितनी भी जरूरी चीजें होती है उसमें देखती है, एवरेज वगैरह, किलोमीटर वगैरह, टेम्परेचर, वो सब शो करता है।
किधर जितने भी इंडिकेटर्स वगैरह वो सब इसमें शो हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। ये सामने से आप इसको एक बार स्टीयरिंग पूरा देख सकते हैं, सारे स्टीरियो के सारे कंट्रोल्स में हमें दे रखे हैं, ये सारे ब्लूटूथ वगैरह कनेक्ट होंगे, सारे कंट्रोल्स में दिए हैं। रीसेट वगैरह उनको यहाँ देना चाहिए, इन्होंने खाली छोड़ा, मैं थोड़ा मेरे को ये बुरा लगा, ये रीसेट वगैरह उनको यहाँ देना चाहिए था, पर यही है, दो बटन्स इधर दी गई हैं, ये वाली और ये वाली। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो ठीक। अब साइड में अगर हम इसको देखें तो हमें सारे विंडो के कंट्रोल इधर दिए गए हैं, ये साइड में ORVMs का कंट्रोल है, हाँ इस साइड में ORVMs का कंट्रोल। देखिए मैं इसे एक बार स्टार्ट करता हूँ, ये मैंने इधर किया, देखिए ये इधर से ही चल रहा है, देखिए। और इसे अगर मैं पुश कर देता हूँ, ये यहीं से क्लोज हो जाता है, यहीं से ओपन हो जाता है, तो ये काफी ठीक फीचर लगा है मुझे इस हिसाब से। ठीक है, सो अब हम इसके फाइनली अंदर है ही है, तो अब हम इसके स्टीरियो की बात करें, मतलब इसका जो म्यूजिक सिस्टम की बात करें, तो ये नॉर्मल टच स्क्रीन ही कह सकते हो, अब ये टच स्क्रीन ही है, इसमें कुछ स्विच ऑन ऑफ नहीं है, ये टच स्क्रीन ही है, बट एंड्रॉइड नहीं है ये, बस आप ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हो, ऑक्स कनेक्ट कर सकते हो, बस इतना ही है। इसकी भी डिटेल वीडियो कैसे यूज होता है, क्या क्या है इसमें फीचर्स वगैरह, वो सब मैं आप बाद में बताऊंगा। बाकी हम इसका अब AC देखें, तो ये इसका AC है, ये अब मेरे को ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल वगैरह इसमें दिया गया है, पर ठीक, मतलब इसका क्रोम फिनिश जो है ना वो ज्यादा अच्छा लगता है, आप एक बार इसका पूरा AC देखिए, क्रोम फिनिश जो है वो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है। बाकी ये नॉर्मल 5 मैनुअल गियर्स, हैंड ब्रेक, आर्मरेस्ट भी, ये भी कंपनी फिटेड है, ये भी मैंने आर्मरेस्ट भी यहीं से लगवाया था। यहाँ पे एक बार इसका डैशबोर्ड देख लीजिए, इधर ये इसकी स्पेसेस में वो मतलब ठंडा कुछ नहीं था इसमें, नॉर्मल है। साइड से डोर डबल टोन दिया गया हमें, इधर ये थोड़ा वॉलेट ब्लू सा है, ऊपर ब्लैक डबल टोन में दिया गया। इस साइड में सारी पावर विंडोज हैं। अब इसका ये मिरर, और ये सामने से इसमें शीशा वगैरह, इसमें मिरर वगैरह नहीं दिया गया, इस साइड मिरर दिया गया, ये मिरर दिया गया इसमें, अब सामने ये लाइट है, तो ये काफी अच्छा लुक देती है, मतलब मेरे को काफी अच्छी लगती है लाइट्स, तो ऐसे करके ये अच्छी लगती है। साइड में सारे हैंडल्स दिए गए हमें, ये एक नॉर्मल डोर वाली लाइट जो होती है वो वाली डोर वाली लाइट है, ये डोर वाली लाइट है। तो ये हमने सामने से फ्रंट देख लिया, और ये साइड में ये बोतल होल्डर्स है, उधर भी बोतल होल्डर्स दिए गए हैं। अब हम चलते हैं इस गाड़ी के पीछे साइड में, लोअर साइड में देखते हैं, हम इस गाड़ी को बंद कर देते हैं, पीछे साइड रियर साइड में हम देखते हैं, इसमें रियर साइड में हमें क्या क्या स्पेस वगैरह कैसे मिलती है। तो चलिए हम इसकी रेयर साइड में चलते हैं। अब हम इसकी रेयर साइड में चले हैं, तो ये अंदर आ गया रेयर साइड में। भाई स्पेस के नाम पे ना इस गाड़ी में इतनी अच्छी खासी स्पेस है, आप आराम से बैठ सकते हो, आराम से। आप देखिए मैंने नॉर्मल आगे सीट सेट कर रखी थी, लेकिन फिर भी मैं बिल्कुल आराम से बैठा हुआ हूँ। ये देखिए साइड से काफी अच्छी स्पेस है इसमें, और जो एक सीट कवर्स वगैरह थे ये भी मैंने कंपनी फिटेड ही करवाए, मतलब मेरे ये भी कंपनी फिटेड कंपनी से डलवाए। एक बार आप रेयर से इसका पूरा पीछे का लुक ले लीजिए, बिल्कुल प्रीमियम हैचबैक लग रही है ये। इसकी जो जो इसका स्टेयरिंग का कवर था ये भी कंपनी फिटेड है। एसेसरीज की पूरी वीडियो, डिटेल्ड वीडियो, प्राइसिंग वगैरह कंपनी से डलवानी चाहिए, बाहर से डलवानी चाहिए, वो बिल्कुल लेकर आऊंगा मैं, पूरी सब आपको बताऊंगा। तो ये हमने इसका रेयर पार्ट देख लिया, ये भी ठीक है, मतलब इसकी थोड़ी है कुछ खराबियां, वो कभी बाद में डिस्कस करेंगे, बट अभी चीजें देखते हैं इसमें और क्या क्या है। तो अब हम इसकी जब बैक साइड पर चलते हैं, अब हम इसकी अगर बैक साइड पर चलें तो उसमें जो बूट स्पेस है ना वो सच्ची में बहुत ज्यादा दी गई है। ये इसकी बूट स्पेस देखिए, काफी अच्छी बूट स्पेस, काफी ज्यादा बूट स्पेस दी गई है। अप्रोक्सीमेटली मेरे को मेरे हिसाब से जो 365 लीटर की बूट, तो अब जो हमने इसके अब इसमें हम देखते हैं इसकी टूल किट वगैरह सब इधर ही है। देखिए ये इसका स्पेयर टायर है, इधर इसकी टूल किट रखी हुई है, इसके 15 इंच का इसका स्पेयर टायर है। अब इसमें मेरे को सबसे अच्छी चीज जो लगी वो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये 60-40 फोल्डेबल है। ये देखिए 60-40 फोल्ड हो गया। अब आप इधर को अगर आपको इधर सामान रखना है, आप इधर सामान रख सकते हैं, पूरे इसको हटाकर सेपरेटर को हटाकर आप इसमें सामान रख सकते हैं, और इसकी ये वाली सीट भी फोल्डेबल हो जाती है, ये पूरा फोल्ड हो गया। मेरे को इसमें ये फीचर बहुत ज्यादा अच्छा लगा, आप देख सकते हैं पूरी फोल्ड हो चुकी है, आपके पास इसमें बहुत ज्यादा स्पेसेस में रखने के लिए। देखिए आप काफी अगर लोग वगैरह रूम वगैरह शिफ्ट करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। अब मैं इसको करता हूँ एक बार ऊपर, अब इसका ये सब चीजें हमारी हो चुकी हैं, तो अब मैं इसको करता हूँ बंद। पीछे से भी आप इसको देख लीजिए, अब मैं इसको भी इसको लगा देते हैं, इसको भी कर देते हैं बंद। अब इसका मेन काम करते हैं, अब इसका हम देखते हैं इंजन, जो कि पेट्रोल इंजन है, तो हम इसका अब इसको कर दिया मैंने क्लोज, अब इसका देखते हैं हम लोग इंजन। चलिए तो
तो ये बलेनो का 1200 सीसी का पेट्रोल इंजन जो कि BS6 वेरिएंट पर ही है, तो जो कि मैक्सिमम पावर जनरेट करता है वो करता है 82 BHP 6000 RPM पे, और मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है वो करता है 113 Nm 4200 RPM पे 113 Nm। तो ये इसकी इधर बैटरी दी गई है, ये इसका आपको मतलब वाइपर के लिए पानी वानी का ऑप्शन है, पूरा आप इंजन इसका एक बार देख सकते हैं। तो और जो कंपनी क्लेम करती है वो उसका माइलेज क्लेम करती है वो 21 KMPL का इसका माइलेज क्लेम करती है, बट हाँ सिटी के अकॉर्डिंग अभी मेरा 16 अप्रॉक्स का माइलेज चल रहा है, तो बाकी देखते हैं, अगर बढ़ भी सकता है अभी तो। अभी इसको मैं इस इंजन को भी यहीं बंद करता हूँ। तो मैं उसको बंद करता हूँ यहाँ पर। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही काफी है, इसकी डिटेल्ड वीडियो हो चुकी है पूरी, अब मैं इसकी जो सीरीज वाली वीडियो है वो जल्दी लेके आऊंगा। सो थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।